हेलो एंड वेलकम टू ओनली आई ए एस टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंडिस्पेंसिबल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसिंग दैट इज द डिस्कशन फॉर हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ पॉलिटी फॉर द प्रिलम्स एग्जामिनेशन 2021. आज हम इस पर्टिकुलर सेक्शन पे ध्यान देने वाले हैं कि आखिर ये ट्वेंटी के प्रविम्स के लिए पॉलिटी हम कैसे पढ़ें कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना काम कंप्लीट कर पाए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना पढ़ें उतना कम है देर इज अ प्लथर ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट यू कैन रीड आउट द केसेस द बिल्स द लॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशन एंड अमेंडमेंट्स तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप पढ़ सकते हैं बट द पॉइंट इज वेन एंड हाउ यू हैव टू स्टडी वॉट यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट यू हैव टू डिलीट वॉट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाट यू हैव टू रिवाइज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट यू आर प्रिपेयरिंग पर्टिकुलरली फॉर पॉलिटी बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स एंड यू हैव टू गेट बोथ द थिंग्स राइट अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट काम करेंगे आप फैक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं देन इट्स बिकॉज ओनली फैक्ट कैनॉट हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्टेन द क्वेश्चन कम्स व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लिबर्टी विच विल बी डिस्कसिंग फर्दर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जस्टिस इस तरीके के जो भारी भरकम शब्द हैं जिनके बहुत सारे एडेमिफिकेशन होते हैं सपोज इफ यू आर आस्ट अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू लाइफ इन चीज़ों को आप कैसे कहाँ से ड्राइव हुए हैं क्या मतलब इनका इनकी स्टैंडिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है किसी एक नेशन को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है इस तरीके के सवाल जब आपसे पूछे जाते हैं वन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर पुट इन फ्रंट ऑफ यू उस समय समझ में आता है कि आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है आप जो सामने वाला कहना चाह रहा है जो पूछना चाह रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सिलेक्शन करें कि कितनी किताबें पढ़नी है कितना सफिशियंट है कितने में हमारा काम हो जाने वाला है बिकॉज इ टोल यूर इज अफ इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तीन सेशन होते हैं बी जिसको मैं कहता हूं आपका बजट सेशन होगा मानसून सेशन होगा विंटर सेशन होगा और उसमें बहुत सारे बिल्स पास करे जाते हैं आर आर लॉट लॉट ऑफ ऑफ बिल्स बिल्स टर्न एक्ट्स उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑन द अदर हैंड देर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन कॉन्स्टिट्यूटिश ऑर्गेनाइजेशन लॉड ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन उसके अलावा आप देखते हैं तो कितने सारे अलग अलग लॉज बनाए जा रहे हैं विल डिस्कस अबाउट दैम विल टेक दैम वन बाई वन फर्स्ट अभी हमारा जो एजेंडा है एज यू ऑल नो हम किस तरीके से इसको डिस्कस करते हैं फर्स्टली इन दिस डिस्कशन विल बी गोइंग थ्रू द सिलेबस हम सिलेबस की बात करेंगे सिलेबस में क्या है न हाउ टू अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हम देखेंगे वेटेज के बारे में कि आखिर कितने सवाल पूछे जा रहे हैं साल दर साल पॉलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस और उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसको समय कितना देना है आपको बात समझ में आ रही होगी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समय कैसे देना है ऑन द अदर हैंड विल बी ऑल्सो टॉक अबाउट सम सेंसिटिव एरिया सम इंपॉर्टेंट एरियाज इवन दो यू माइट बी नोइंग द वेरी वेल एज वेल एज विल बी फिनिशिंग द डिस्कशन बाई एंडिंग अप बाई एक्सप्लेनिंग एंड एलेबरेटिंग ऑन सम मिथ्स कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह सकते हैं कुछ रूमर्स हैं विल ट्राई टू कट द क्लाउड्स अब सबसे पहले बात करें हम सिलेबस की सो लेट मी टेल यू अबाउट द सिलेबस वेरी क्लियरली सिलेबस में आपको वैसे लिखने को तो मैं दस स्लाइड भर सकता हूं उस चीज से एंड दैट इज ऑल यूजफुल और नॉट दैट यू नो इट डिटेंडेंसी का कोई काम नहीं है यहां पर हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुँचना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए एंड बिफोर यू गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन लेट मी टेल यू प्रियम्बल इज मस्ट प्रियम्बल को प्लीज इग्नोर ना करें प्रियम्बल को शुरू से पढ़ें आपको प्रियम्बल पूरा याद होना चाहिए वो आपको इंटरव्यू तक में सवालों में मदद करेगा मेंस में भी मदद करेगा एज वेल एज अगर आपको प्रियम्बल याद है तो आप प्रियम्बल के जो शब्द हैं उनका मतलब समझ सकते हैं प्रियम्बल को समझे प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना जरूरी है क्योंकि सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ हाई कोर्ट की बात करूँ इलेक्शन कमीशन की बात करूँ आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए फिर कॉन्स्टिट्यूटल बॉडीज़ कौन सी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए इस तरीके की एक एक जानकारी आपके पास कब आएगी जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा होगा आई एल बी कमिंग ऑन दिस कि कितनी बार पढ़ने से या फिर किस तरीके से पढ़ने से वो चीज़ हम परफेक्ट कर सकते हैं एज वेल एज वी विल हैव टू गो थ्रू द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी लाड़ला ऑफ यू पी एस सी दट इज द सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द सेवेंटी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके के सवाल भी आते हैं वैन यू आर टॉक्ड अबाउट द अर्बन लोकल बॉडीज वन यू आर आज अबाउट द पंचायती राज सिस्टम इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यू शूड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द शेडूल्स जब आप शेडूल्स की बात करें आपसे पूछा जाता है फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर सवाल आता है सिक्स शेडूल के ऊपर सवाल आता है शेडूल्स क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए लिस्ट क्या होती है ये क्या है लिस्ट स्टेट लिस्ट है यूनियन लिस्ट है या फिर आप देखते हैं कि कॉमन लिस्ट भी बनाई जाती है ये इस तरीके की लिस्ट का क्या फंडा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये एक एक चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए अब जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता जा रहा हूँ उससे आपको लगेगा कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसको हमें कंपाइल करना है उसको हमें सिलेक्ट करना है फिर हमें उसको पढ़ना है एंड अल्टीमेटली हमें उसको रिवाइज करना है सो दैट वी कैन क्रैक द एग्जाम विच इज़ आर फाइनल एजेंडा इन दैट इस पर्टिकुलर एवेन्यू में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वी आर हेयर विद व वेंचर एक इनिशियेटिव है हम जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम है तेजस यू कैन जॉइन ऑन दिस ये बाईस फरवरी से चालू हुआ है और वी कैन हेल्प यू आउट इन कवरिंग योर सिलेबस इन टाइम एज वेल एज वील हेल्प यू इन टेस्टिंग योर नॉलेज ताकि आप इस प्रम्स और मीन्स के लिए स्टडी रहे यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड बाय पॉजिंग दिस वीडियो और जो भी चीज़ें इस पर्टिकुलर इनिशियेटिव में हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं सो कंटिन्यूइंग द डिस्कशन हम बात करें यहाँ पर वेटेज की कितना वेटेज है इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं 2011 से लेकर 2020 तक का हमने आपको सवाल कितने आया उसका स्टार्ट दिया है ये ग्राफिकल में भी दिया है जिनको सी सेट ज्यादा पसंद है वो सीधे हाथ की तरफ देखें और सामान्य लोगों के लिए उल्टे हाथ का जो ये नंबर है ये इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे लगभग दस से ऊपर सवाल आए हैं सिर्फ एक दो में सिर्फ सात सवाल आए थे उसके अलावा आप देखें तो दस से बीस सवाल तक आ जाते हैं एट एन एवरेज अगर आप माने तो लगभग पंद्रह सवाल आपके पास आ रहे हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पॉलिटी से दैट मीन्स दैट इफ़ यू मेक राइट चॉइज इन योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम पॉलिटी कैन बी अ गेम स्पिनर आपको ये लिस्ट में नाम डालने से नाम लाने से बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी अगर आपकी क्वालिटी मज़बूत है अगर आप पंद्रह में से बारह सवाल भी कर रहे हैं तो चौबीस मार्क्स आप यहाँ पर ला सकते हैं पच्चीस मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं इसके साथ हम हिस्ट्री का भी डिस्कशन कर चुके हैं पच्चीस पच्चीस पचास हो गए तो सब्जेक्ट और आप अगर अच्छी मास्टरी कर लेंगे तो आप सौ नंबर आराम से ला सकते हैं और इतने ही चाहिए इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग द ट्रेंड फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स यू कैन सी दैट नाइन्टी फाइव से हंड्रेड हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड टेन की ट्रेंड चल रही है जैसे जैसे आप आगे के सालों में देखेंगे तो 95 फाइव टू हंड्रेड ही कट ऑफ चल रहा है एज फार एज आई कैन रिमेंबर फ्रॉम 2018 थाउजेंड एटीन सेवनटीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी एज फार एज वी कैन सी द कट ऑफ लिस्ट और द कट ऑफ रेट हैज़ बीन जस्ट नाइन्टी फाइव टू हंड्रेड इस केस में अगर आप चार सब्जेक्ट्स को पुख्ता कर लेते हैं परफेक्शन ले आते हैं सो यू कैन मेक इट इन टू द लिस्ट वेरी इजिली एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पॉलिटी इज़ समथिंग विच यू क्यू मिस यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंड लेट मी टेल यू अ कपल ऑफ थिंग्स लाइक हाउ यू हैव टू प्रिपेयर सबसे पहले तो जो मैं बात कर रहा था मैं फिर से आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है बिकॉज दैट विल वेरी क्लियरली टेल यू हाउ यू हैव टू स्टडी सबसे पहले हम लक्ष्मीकांत की बात करें तो लक्ष्मीकांत विल हेल्प यू इन गेटिंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन यू स्टार्ट विद द प्रियम्बल देन यू गो विद द पार्ट्स आपको फंडामेंटल राइट्स डी पी एस पीस ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए यू शुड नो अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसमें क्या चीज़ें आई फिर फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट आया तो उसमें क्या चीज़ें चेंज करी गई ट्रिब्यूनल्स कब आए थे ट्रिब्यूनल्स पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में थे या नहीं थे इस तरीके के सवाल आते ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या क्लियरली डिफाइंड है इस तरीके के सवाल आते हैं वॉट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर बींग अ गवर्नर या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि गवर्नर का जो कार्यकाल है द टर्म ऑफ अ गवर्नर फाइव ईयर्स इन सच केसेज वॉट हैपन्स आपको अगर याद नहीं है आपका रिविजन प्रॉपर नहीं है तो वहां दिक्कत होती है आपको शायद याद रहे नहीं 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 गवर्नर का जो टर्म होता है वो पाँच साल होता है या फिर और भी इस तरीके के सवाल आ सकते हैं जिसमें यू आर बींग ट्रिक्ट बाय द नंबर्स आपको नंबर से खेला जाएगा और आप वहां पर जवाब नहीं दे पाएंगे वहां पर आप गलती कर देंगे क्यों गलती करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिविज़न करना था उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है अगर आप उसके साथ में देखिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं कोई रिसेंट अमेंडमेंट्स होते हैं तो उससे आप अपने नॉलेज को अपडेट करेंगे ऑन दी अदर हैंड एज अ टोल्ड यू वी हैव टू टॉक अबाउट द लॉज विच आर बीन मेड जो एक्ट्स बन गए हैं उनके बारे में चर्चा होगी जो बिल्स इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं जो पेंडिंग है उनके बारे में चर्चा होगी आपको याद रखना है सवाल इस तरीके के भी आते हैं कि राज्यसभा से पास है लोकसभा से पास नहीं है तो इस बिल का क्या होता है प्रेसिडेंट असेंट नहीं मिला है वो पेंडिंग है तो क्या होता है फिर वीटो पावर्स के बारे में बात आ जाती है कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से वीटो पावर्स हैं कौन सा वीटो पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है इस तरीके के सवाल आते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात आती है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है राज्यसभा के टर्म की बात आती है ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जो अगर आप रिवाइज नहीं करें तो आपको ट्रिक करा जा सकता है बेवकूफ़ बनाया जा सकता है एज वेल एज एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको अपडेट करते रहना है एंड दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू जैसे मैंने आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट में बताया था ये पार्ट करंट अफेयर से संबंधित है वेर यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन द जुडिशियल वर्डिक्ट्स अब मैं जुडिशल वर्डिक्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पड़ोसी और आपका केस हुआ और उसमें आप केस जीत गए के, वो जुडिशल वर्डिक्ट यूपीएससी पूछने वाली कि बताओ मोहन और सोहन के केस में जो फैसला आया था उसके ऊपर ये सवाल है जुडिशल वर्डिक्ट में ऐसे वर्डिक्ट को आपको फोकस करना है फॉलो करना है दोज हैव अंडर अंडरपिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग हो कोई ऐसी चीज़ हो जो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो जैसे कि आप देखेंगे शबरीमाला वर्डिक्ट जो है दैट वॉज समथिंग विच वॉज ग्राउंड शाटरिंग आप देखेंगे सोसाइटी में एक अलग ही रेवोल्यूशन था उसको लेके ऑन दी अदर हैंड आप देखिए 377 की बात कर ले हम उसके साथ भी सोसाइटी पे उसके रिपोकॉशंस थे आर्टिकल 370 की बात कर लीजिए इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए स्पेशल स्टेटस जो कुछ स्टेट्स मांगती हैं उनके बारे में भी चर्चा होती है ट्रिपल तलाक जो कस का वर्डिक्ट आया था इसकी बात हो सकती है उसके साथ में जो एक्ट्स की बात कर रहा था मैं सी जिसके ऊपर काफ़ी जोरदार प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बाद एन है इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं फार्म बिल्स के ऊपर फार्म लॉस के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं या फिर आप देखेंगे लेबर लॉस के ऊपर चेंज आ रहे हैं साथ में आरटीआई को थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहा है उसके ऊपर बात आती है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात आती है उसके ऊपर कैसे डाइल्यूशन हुआ है या फिर उसमें क्या चेंजेस आए ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर समथिंग विच आर करेंटली रिलेटेड विच आर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू शुड जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस थिंग्स ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं आपको इनको फॉलो करना है अगर आप अच्छी तरीके से इनको फॉलो करेंगे तो जो आपका फैक्चुअल पोर्शन है जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो आपका बहुत आराम से हो जाएगा तो यहां पर मैंने बात की पहले लक्ष्मीकांत की उसके बाद मैंने बात की आपसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनपे आपको अपनी नजर गड़ा के रखनी है विच यू कैन ईजिली फॉलो बाय रीडिंग अ न्यूज अब रही बात न्यूज की तो यहां पर आप जानते हैं कि ओनली आई आपके लिए न्यूज़पेपर का डेली एडिटोरियल एनालिसिस लेके आता है एज वेल एज इन केस इफ यू मिस अ न्यूज तो उसके लिए हम प्रेरण बूस्टर सेशन भी बनाते हैं और मंथली कंपाइलेशन भी लेके आते हैं सो so दैट आपसे कोई भी करंट अफेयर की न्यूज मिस ना हो बिकॉज कोई भी न्यूज आपके लिए जो आप मिस कर देते हैं शायद वही सवाल बन के आपके सामने पेपर में आ जाए सो so एज अड लक्ष्मीकांत को कॉन्स्टिट्यूशन की जो सारी चीजें हैं दो यूनिट टू फॉलो पंचायती राज के बारे में मैं बता चुका हूँ अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में मैं बता चुका हूँ वट एवर आई एम सेंग इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ इट आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बिकॉज वाई यू आर रिवाइजिंग उस समय आपको याद ना आए कि कौन से इंपॉर्टेंट एजेंडाज़ या पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है इन दैट केस इफ यू हैव मेड अ नोट ऑफ दीस थिंग्स यू कैन ईजिली काउंट दैम एंड चेक लिस्टेड अब यहां पर बात आती important amendments bills as well as है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड बिल्स की दोज दोस्तो आई हैव डिस्कस्ड एज वेल एज यू हैव टू फोकस ऑन द जुडिशल वर्डिक्स ऑल्सो जो जुडिशियल हैं कोर्ट के फैसले हैं उनके बारे में भी जानकारी रखनी है इसके साथ में एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको याद रखना है वो है दो किताबें जो एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं एक है पॉलिटिकल थ्योरी की किताब इसको आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब को दूसरी आपको जो किताब पढ़नी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क है ये किताब भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है इन दोनों किताबों से सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल जैसे लिबर्टी के बारे में यूपीएससी ने दो में पूछ लिया कि भाई लिबर्टी क्या है वॉट इज द रियल मीनिंग ऑफ लिबर्टी हाउ विल यू डिफाइन लिबर्टी अब उसमें चार ऑप्शन दिए हैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस तरीके से 2020 में भी पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है नेशन को तो उससे यह था कि आप गवर्नमेंट को लिमिट कर रहे हैं वेन यू हैव टू कन्फाइन द गवर्मेंट देन यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन ताकि गवर्मेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक रूल बुक के अनुसार गवर्न करे अगर गवर्नमेंट को आप अनलीश कर देंगे कोई भी बॉन्डेज नहीं होगा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा कोई रूल बुक नहीं होगी जिसको गवर्नमेंट को फॉलो करना है तो गवर्नमेंट विल रन ऑन अ रैकेज गवर्नमेंट हर चीज़ को तहस नहस कर सकती है अगर उसके पास एक प्रॉपर रूल बुक नहीं होगी सो द गवर्नमेंट हैज़ टू रन अकॉर्डिंग टू अ रूल बुक आप देखें करंट सिनेरियो में किस तरीके की सिचुएशन चल रही है पौंडीचेरी में कितनी सेंसिटिव सिचुएशन है उस हिसाब से सवाल आता है जो यूटीज़ होती हैं यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए गवर्नर्स का क्या रोल है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ़ द गवर्नर आपको पता होना चाहिए जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नर से संबंधित आती हैं फ्लो टेस्ट है या फिर गवर्नर के पास जो भी डिस्क्रिप्शन हैं किस तरीके से गवर्नर उनको यूज़ कर रहा है सवाल मेंस में भी आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर अगर गवर्नर एजेंट ऑफ द सेंटर है तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि गवर्नर जो है वो स्टेट के कार्य का, काम काम काजों में कहीं ना कहीं खलल डालता है या फिर दूसरी तरफ ऐसा देखा जाता है सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि गवर्नर जो है इट शुड ऑल्सो बी अ इलेक्टेड बॉडी उसको आप इलेक्ट करिए जिस तरीके से चुनाव होते हैं सीएम के लिए उस तरीके से गवर्नर के लिए भी चुनाव होने चाहिए इस तरीके के सवाल आ जाते हैं तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर स्टेट एंड ड्यू टू विच देर विल बी टसल डिसीजन मेकिंग विल बी हार्मेल एज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन विल बी हार्म पॉलिसी फॉर्मुलशन विल आप बात समझ पा रहे हैं किस तरीके से इस चीज को लेकर आना है आपको पॉजिटिव लाइंस शो करनी है कि गवर्नमेंट गवर्नर इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सेंटर अब गवर्नर्स के पावर कैसे हैं इमरजेंसी के केस में नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी उसमें क्या रोल होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हर एक पोर्शन जो आपको समझ में आता है जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बात आती है हमने फिफ्टी डे रेगरस प्लान जो है वो पिछले साल डिस्कस किया था मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि जो भी वीडियोज़ हैं हर सब्जेक्ट के आप एक बार उनको देख लें जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी तैयारी हो जाएगी आपको पता चल जाएगा सवाल किस तरीके के आते हैं एक बार आपको सवाल की जानकारी हो गई उसके बाद आपकी तैयारी करने में आपको सिलेक्शन करने में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और आसानी हो जाएगी बात करें टाइमलाइन की जैसा मैंने आपको बता दिया कि 15, 10 से 15 सवाल तो आपके आ रहे हैं 10 से 15 सवाल अगर आ रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं पंद्रह से बीस दिन में आपको अपनी पॉलिटी मतलब एनसीआर प्लस कॉन्स्टिट्यूशन और जो करंट अफेयर है वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है तो उसको आपको फॉलो करते ही रहना है लेकिन एन और जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एम लक्ष्मीकांत से पढ़ना है इन चीज़ों में आपको फिफ्टीन डेज लगना चाहिए एंड दैट इज द बेस्ट वे टू कंप्लीट योर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द पर्टिकुलर प्रपरेशन फॉर इंडियन पॉलिटी अगर आप इतना पढ़ पा रहे हैं सो यू विल बी इन अ बेटर शेप यू विल बी एबल टू टेस्ट योर नॉलेज इन द मीन टाइम इसीलिए आप कोशिश करें सो दैट यू कैन रैप इट अप विद इन फिफ्टीन डेज एंड इफ़ यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जिसमें आपको कवर अप करने में प्रॉब्लम हो रही है सिलेबस को आप कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन ज्वाइन एस ऑन तेजस जो बाईस फरवरी से चालू हो गया है तो आपको मैंने दोनों रास्ते बता दिए अब बात जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा इम्पोर्टेंट एरियाज़ तो इंपॉर्टेंट एरियाज़ के लिए सबसे ज़रूरी क्या है ना हम कहें कोई कहें मत मानिए आप अपना दिमाग लगाइए दिखावे पर मत चाहिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए हमारा आप फिफ्टी डेज रिग्रेस जो रिग्रेस प्लान है उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगी और जब आप ट्रेंड समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है इसके अलावा फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स भी ज़रूरी हैं डीपीएसपी भी ज़रूरी है साथ में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए आप यहाँ पर रिसर्च करने से आपको समझ में आ जाएगा डेटा स्टडी हमने आपके सामने रखी दी है कि 10 से 15 सवाल आ रहे हैं तो ये वाला काम हमने आपके लिए कर दिया है रिसर्च भी हमने कर दिया लेकिन फिर भी आई वुड इंसिस्ट कि यू शुड ऑल्सो डू सम होमवर्क ऑन योर साइड थोड़ी सी आर एंड डी आपसे भी बनती है आई कैन एक्सपेक्ट दैट उसके बाद रही बात एनालिसिस की तो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीन डन बाय अस कंपैरिजन दैट इज लाइक like, कंपैरिजन में आप ये कर सकते हैं कि वैन यू आर प्रिपेयरिंग अभी ये फेज नहीं है आपके लिए कंपैरिजन में तो अलग अलग तरीके से कंपैरिजन हो सकता है बट आई वुड रेकमेंड जस्ट गो विद सिलेक्टिव सोर्स दैट इज एनसीआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड करंट अफेयर्स रैदर दैन कम्पेयरिंग अलॉट ऑफ सोर्सेज एंड देन गोइंग फॉर स्टडीज सो इस चीज़ को हम अभी फेज आउट कर सकते हैं वॉट यू हैव टू डू करेंटली इज आप रिसर्च कर लें किस तरीके से सवाल आते हैं सो दैट यू कैन कंप्रेस और बी सिलेक्टिव वैल यूर प्रपेयरिंग एंड यू कैन बी सिलेक्टिव विद योर रिसोर्सेज टू प्रेफर तो यहाँ पर यह बात कर दी मैंने थोड़ी सी रिसर्च कर लें अब इसे एक और बात आ जाती है कि सर अगर रिसर्च भी नहीं करनी तो उसके लिए एक और रास्ता है जो हम आपके लिए लेके आए हैं और रास्ते का नाम है उड़ान मतलब रास्ता है उड़ना है लेकिन इस पर यहाँ पर आप देखिए एनवायरमेंट एंड एकोलॉजी से ले कर आपको जोग्राफी साइंसिटेक हर चीज़ का हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि आपको अगर कंपाइलेशन रिविजन के लिए चाहिए तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है उड़ान जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के लिए बढ़िया तरीके से तैयारी मिल जाएगी तो आपको अपनी तरफ से जो मैंने कहा था कि आपको एनालिसिस करना है या रिसर्च करना है वो भी हमने आपके लिए उड़ान में करके दी है सो यू कैन गो थ्रू दीज उड़ान बुकलेट्स यहां पर बात आती है आप कॉमन मिथ्स की कॉमन मिथ्स की बात में भाई सीधी सीधी बात है आपको वकील नहीं बनना है यू डोंट हैव टू वर्क सो हार्ड दैट यू बिकम अ लॉयर बिफोर बिकमिंग आई एस ऑफिसर है ना सो जस्ट मेक नोट ऑफ इट क्या हमें लॉयर नहीं बनना है हमसे पूछा गया कि भाई गोलकनाथ केस क्या था तो हमने गोलकनाथ केस अगर 2000 पेज का है तो हमने पूरी उसकी जो भी वर्डिट था या जो भी उसकी कहानियां थी सारी सुना दी उसकी ज़रूरत नहीं है हमसे पूछा जाए केशवानंद भारती केस क्या था उससे क्या शुरू हुआ हमें इतना पता चल जाए केशवानंद भारती केस इतना इतना था उससे बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत हुई इतना सफिशियंट है आपसे मेरे का गांधी केस पूछा जाए तो आपको पूरी केस फाइल नहीं खोल दी आपसे किसी भी प्रकार के सवाल आए पहली बात तो ये नहीं है लॉयर नहीं बनना हमें हमें आई एस अफसर बनना है तो आई एस अफसर वाली तैयारी करेंगे हम और उसी चीज पे फोकस करेंगे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन यू पी एस सी वी डोंट हैव टू बिकम अ लॉयर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का लॉयर नहीं बनना है जो आप केस को एक एक को गहराई से पढ़ते हैं दूसरी चीज़ यह है लोग ऐसा कहते हैं कि आपको चार पाँच बुक्स प्रेफर करनी है ताकि ज़्यादा अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो मेरा मानना यह है कि आप एक बुक को दस बार पढ़ें रेदर देन दस बुकों को एक एक बार पढ़ना बिकॉज लेट मी टेल यू इन दिस गेम ऑफ पॉलिटी रिविजन इज की आपको रिविजन करना पड़ेगा रिविज़न आपको अच्छे तरीके से अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत बन सकती है सो रिविज़न इज द की रिविज़न करना ज़रूरी है दस किताबें पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब को दस बार पढ़ें क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे आप आंसर्स लिखने के या फिर सवाल क्रैक करने की स्थिति में नहीं आएंगे यू विल नीड सफिशेंट अमाउंट ऑफ रिविजन वैन यू आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन अमंग द थिकेस्ट या फिर बल्किस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर रिटन डाउन सो इन दैट केस इफ यू आर रीडिंग सच अ बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड टू रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल एंड वेन द टाइम इज जस्ट फिफ्टीन डेज यू नीड टू बी वेरी फ्रूगल एंड वेरी सिलेक्टिव अबाउट द मटेरियल यू आर रीडिंग एंड द टाइम यू कैन रिवाइज इट अब दूसरा एक और मिथ है लेट मी जस्ट डिस्कस दैट टू बात आती है नोट्स की बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाने के लिए बैठ जाते हैं सो लेट मी टेल यू अगर आप लक्ष्मीकांत का नोट बना रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्टूपिड क्यों क्योंकि लक्ष्मीकांत का नोट बनाना मतलब एक और लक्ष्मीकांत लिखना वो बुक अपने आप में ही इतनी ज्यादा सेलेक्टिव है कि आपको उसका नोट्स बनाना बेवकूफ़ी होगी आई वुड रदर से आप अलग अलग कलर्स के हाईलाइटर लेके उसको हाईलाइट कर लो हाईलाइट करने से क्या होगा दैट विल मेक इट इजी फॉर रिवीज़न आपको रिवीजन में काफ़ी आसानी हो जाने वाली है एंड दैट इज व्हाट वी वांट रिवीजन हमारा टाइमली होना चाहिए उसके अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली हैं हमें लॉयर नहीं बनना है हमें आई बनना है हमें नोट्स बना नहीं बनाने हैं लक्ष्मीकांत के हमें उसको अंडरलाइन करना है करंट अफेयर के हम नोट्स बना सकते हैं न्यूज़पेपर के हम नोट्स बना सकते हैं बट एनसीआर से और लक्ष्मीकांत के वी डोंट नीड टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट इंपॉर्टेंट है रिविजन कीप इट शॉर्ट कीप इट सिलेक्टिव द रिविजन इज मस्ट सो कीप इट द मोर साइकिल्स ऑफ रिविजन द बेटर इट्स फॉर यू यहां से अब हम बात आती है कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे आधार की बात आई थी अब ये सवाल मैं पूरा पढ़ने नहीं वाला हूँ ये सवाल आप पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में आया था अब आधार से बहुत सारे संबंधित और अभी नहीं 2018 में भी एक सवाल आया था आधार से संबंधित वहां पर भी बात करी गई थी उसमें पूछा गया कि भाई आधार जो है वो सोलह नंबर का है क्या तो आपको पता होना चाहिए फिर पूछा आधार के प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर भी आधार के साथ बहुत सारे क्लॉज लगा दिए कि इसको तीन साल के तीन महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं क्या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है आधार इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए क्या ज़रूरी है आपको आधार के बारे में जानकारी होनी चाहिए और जब एक बार 2018 में आधार के बारे में सवाल आ चुका है और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लिया आधार आया है तो तो भाई 2020 में आधार के बारे में ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए जो आपको ना पता हो और एक बार अगर ये होता है फायदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट अगर आपने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं तो 2018 में अगर आपने देख लिया तो 2020 का सवाल तो यह गलत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आधार के बारे में आप सब पढ़ चुके हैं यू आर रेडी विद आधार तो इसीलिए ये पुराने पाप जो हैं उनको धो लेना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने चाहिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर रहा था कि भाई एनसीआर टी क्यों जरूरी वाई इज एन सी आर टी रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट वाई प्रेसिंग ऑन इट वेरी नाउ इन देन अब देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी जा रही है किस तरीके से अनटचेबिलिटी के फॉर्म में जो भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होते हैं उस पर सवाल आया 2020 में अब ये चीज़ कहाँ आ रही है इसके बारे में कहाँ से पता चलेगा पूरा फंडामेंटल राइट पता होना चाहिए उसके लिए मतलब आपको पूरा जो पार्ट थ्री है कॉन्स्टिट्यूशन का वो याद होना चाहिए जो मैं अभी आपसे कह रहा था लक्ष्मीकांत और लक्ष्मीकांत के साथ ये जो मतलब है ना राइट टू एक्सप्लॉयटेशन फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ये सब कैसे समझ में आएंगे ये एन से समझ में आते हैं तो इसीलिए अगर सवाल समझना है क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो सॉल्व कैसे होगा है ना इफ़ यू डोंट बाय इट देन हाउ विल यू सेल इट यहाँ पर सिचुएशन यही आ रही है आपको समझ में नहीं आ रहा अगर तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसलिए एन और लक्ष्मीकांत को इसीलिए पढ़ना जरूरी है तीसरा सवाल देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि जो ट्राइबल लैंड है इसको प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग करने के लिए अगर ट्रांसफर करे कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर कर रहा है इस चीज़ को तो नल एंड वॉट डिक्लेयर हो सकता है अब ये चीज़ जो हो रही है वो किस पावर के अंदर हो रही है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि शेड्यूल्स भी पढ़ना जरूरी है अब थर्ड शेड्यूल क्या है पता होना चाहिए नाइन्थ शेड्यूल क्या है पता होना चाहिए ट्वेल्थ शेड्यूल क्या है पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट जो कुछ शेड्यूल्स है ना शेड्यूल ज्यादा है नहीं एक से बारह शेड्यूल हैं सारे रट मारो दस नंबर का कौन सा है सात नंबर का कौन सा है तीन नंबर का कौन सा है पाँच नंबर कौन सा है छः नंबर कौन सा है ये सारे शेड्यूल जो है आपके जो चाहे एंटी डिफेक्शन के बारे में हो लिस्ट के बारे में हो ट्राइबल राइट्स के बारे में हो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सैलरीज एंड अलाउंसेज के बारे में हो ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में हो सारे शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए एक बार शेड्यूल्स याद हो जाते हैं बारह शेड्यूल हैं कोई बड़ी दिक्कत तो है नहीं जैसे हम एस याद कर लेते हैं एस आपको पता है एस अगर सत्रह गोल है सत्रह के सत्रह हम इमेजिन करके याद कर लेते हैं हाँ बच्चा गरीब है पॉवर्टी की बात आ गई पॉवर्टी के बाद हमने बात कर ली कि बच्चे को स्कूल भेजना है खाना देना है उसकी हेल्थ अच्छी रखनी है इस तरीके से पूरा एक इमेजिन करके हम सत्रह के सत्रह याद कर लेते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको पूरे शेड्यूल याद रखने हैं शेड्यूल से सीधा सीधा सवाल आ गया और शेड्यूल से पहले भी सवाल आए हैं इसीलिए जिस भी बंदे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है और उसमें दिखा उसको कि शेड्यूल पूछे जाते हैं वो फिर ये सवाल करने की स्थिति में होगा इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमने 50 डेज रेगुलस प्लान में कराए हैं आप उनको जाकर देखिए चौथे सवाल पे आए यहाँ मैं आपसे कह रहा था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट ये पढ़ के रखना है यहाँ देखिए फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट पर सवाल आ गया ये बात करेगा कुछ पर्टिकुलर जो आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करे होंगे जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें अमेंड करी गई थी कुछ चीज़ों को रिपील करा गया था कुछ चीज़ को वापस वैसे किया गया था उसके ऊपर बात करी जाएगी जैसे इंटरनल सिक्योरिटी और आर्म रिवेलियन वाला जो इशू था उसको चेंज करा गया था और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करी गई थी ट्रिब्यूनल्स को ऐड कर दिया गया था एजुकेशन जो है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई थी और उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी वो भी मैंने आपको बता दिया कि फोर्टी सेकेंड और फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट आपको पता होने चाहिए यहां मैं सवाल इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा हम एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूँ ताकि आप अपना जो अप्रोच है उसको थोड़ा सा सिलेक्टिव कर लें कितना पढ़ना है ये आपको पता चल जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा ये जो सफर है ना आई एस तक बनने का ये बड़ा आसान हो जाने वाला इट विल बी वेरी स्मूद एंड स्ट्रीम लाइन पांचवें सवाल पर आ जाए फिर से वही बात आ गई ये अठारह के प्रॉब्लम्स में जो मैं कह रहा था आपसे बीस के प्रॉब्लम्स में आया आधार का सवाल अठारह में भी उन्होंने दे दिया कि अठारह में ये बताया कि जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या सिटीज़नशिप या डोमसाइल के लिए यूज़ हो सकता है क्या दूसरा उन्होंने कहा कि एक बार अगर आधार कार्ड बना दिया जाए उसके बाद उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं क्या तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और आधार कार्ड का पूरा पर्चा पढ़ोगे ना तो इसमें आ, साफ साफ ऐसे लिखा है नॉट अ प्रूफ फॉर सिटीजनशिप साफ साफ लिखा है अगर आपने पूरा पर्चा आधार का पढ़ा हो तो आपको उसमें साफ साफ दिख जाएगा कि ये चीज़ लिखी है तो अगर किसी बच्चे ने आधार का कार्ड अपना ढंग से पढ़ा होता तो उसका ये सवाल सही हो जाता लेकिन 2020 में अगर कोई आधार की जानकारी नहीं लेके जा रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि भाई 18 में वो गलती हो चुकी है और अगर दूध का छ छा, जला छाछ भी फूक कर ना पिए तो वो कैसा जला है दैट इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो डिफरेंस है ये काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो हम स्किप कर देते हैं जैसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं वो हम अगर स्किप कर रहे हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको हम स्किप कर रहे हैं तो वी आर स्टूपेड और वो भी इतनी सिली मिस्टेक्स हम अगर बनाएंगे तो फिर हम आई ए एस कैसे बनेंगे इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट की एरियाज हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हमें बता रहा है इट इज़ टॉकिंग टू अस यहाँ पर देखिए यहां पर भी बात करी जा रही है जो मैंने कहा था लिबर्टी के बारे में लॉ एंड लिबर्टी क्या होता है अभी लॉ एंड लिबर्टी जो ऐसे शब्द हैं इनका इंटरप्रिटेशन जानने के लिए एनसीआर जरूरी है एन आपको हेल्प करेगी पहली एन जो मैंने आपको बताया पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी वाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क दे आर मस्ट रीड यहां से बात आ जाती है जैसे ही आप अपनी तैयारी कर लेंगे फिर आपको जरूरत पड़ेगी आप कितने पानी में है ये टेस्ट करने के लिए द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड इज टू टेस्ट योर सेल्फ एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट योर सेल्फ बी प्रेजेंट है प्रज्ञान प्रज्ञान वन एक ऐसा टेस्ट प्लेटफॉर्म है एक ऐसा मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग्स आती हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये उपलब्ध होने वाला है और इसके लिए हम आपसे लेने वाले हैं शून्य जीरो एक भी रुपया हम आपसे नहीं लेने वाले हैं हम बस आपसे चाहेंगे कि आपने अपनी तैयारी कर ली है चाहे आपने अपने आप से की हो चाहे हमारे तेजस इनिशिएटिव से की हो आप प्रज्ञान पर आए अपना टेस्ट दें और अपनी ऑल इंडिया रैंक यहाँ से आप पा सकते हैं इसके अलावा आपको डिटेल एनालिसिस वगैरह चीज़ें भी वो भी मिल जाएंगी ताकि आपको अपनी गलतियाँ भी समझ में आ जाएँ यहाँ पर जितनी गलतियाँ करनी है कर लीजिए ताकि आपका जो प्रोब एग्जाम है उसमें आपसे कोई गलती ना हो यहाँ की गलतियाँ सारी माफ़ होंगी वहाँ की एक भी गलती माफ़ नहीं होने वाली तो आइए प्रज्ञान पे और यहाँ पर आके अपनी नॉलेज को टेस्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करिए तो यहाँ पर आज हमारा डिस्कशन पॉलिटी के बारे में था हमने इंडियन पॉलिटी को कैसे कवर करना है इंपॉर्टेंट एरियाज की एरियाज पे हमने फोकस किया है उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड हाउ टू गो विद द इंडिस्पेंसिबल एंड इम्पेरेटिव पार्ट्स ऑफ पॉलिटी आई होप आई हैव गिवन इट टू यू एंड दे हैव रीच्ड टू योर प्लेस सो रैपिंग दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग